खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मॉर्निंग प्राइम टाइम में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 100 सेकंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार समेत कई मुद्दों पर बात होगी। पीएम की बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। ममता ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को चिट्ठी लिखकर सलाह दी कि एक देश एक चुनाव पर जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय इस पर एक श्वेत पत्र तैयार करें। चुनाव खत्म होने के बाद भी ममता बनर्जी और मोदी सरकार की तलखी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले हफ्ते नीति आयोग की बैठक में भी ममता शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर बुलाई गई बैठक में अपने रुख को लेकर आज सुबह फैसला करेंगे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कल शाम यूपीए के घटक दलों की बैठक हुई। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीएम की बैठक में कांग्रेस से कौन जाएगा इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। कल यूपीए की बैठक में बोली सोनिया कि ये आज पता चलेगा। बीजेपी के सांसद ओम बिरला आज आधिकारिक तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एनडीए से ओम बिरला ही अकेले उम्मीदवार हैं। आज लोकसभा में पीएम मोदी ओम बिरला के समर्थन में प्रस्ताव रखेंगे जिसका समर्थन राजनाथ सिंह करेंगे। निर्वाचन के बाद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर ले जाया जाएगा। बंगाल से सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने। सोनिया गांधी की तरफ से अधीर रंजन के नाम की चिट्ठी लोकसभा सचिवालय को सौंपी गई। राहुल गांधी 22 जून को अमेठी का दौरा कर सकते हैं। अमेठी से इस बार हार गए थे राहुल।